पटना हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जी हां, चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही ने माननीय को सुनाया कोर्ट का आदेश। ऐसा आदेश जिसे सुनने के बाद माननीय के होश उड़ जाएंगे, बल्कि यूं कहें कि माननीय बंगले झांकने लगेंगे। आइए बिना देर किए हम भी आपको बता देते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने ऐसा कौन सा फरमान जारी किया है। तो जान लीजिए, अब तक ऐसो आराम की जिंदगी बसर कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री जिस बंगले में रह रहे थे वो संवैधानिक नहीं था। कई कट्टे में बने बंगले में बिहार के एक्स सीएम रह रहे थे वो असंवैधानिक था। आजीवन सरकारी बंगले की सुविधा खत्म हो गई है। सरकारी बंगले के साथ साथ अनलिमिटेड खर्च का डाटा भी खत्म हो गया है। सीएम पद से हटने के बाद एक्स सीएम का तमका लगाए बंगले में जीवन यापन कर रहे इन माननीयों का पता बदल जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का आवास छिन जाएगा। इसके साथ ही छिन जाएगा उनका अमन चैन, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि पब्लिक के पैसे से अब आराम तलबी नहीं चलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया था जिसके अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्रियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई थी। उसी जजमेंट के आधार पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इस केस में बिहार में जो 2010 में संशोधन करके एक प्रावधान लाया गया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके जीवन काल तक निःशुल्क आवास उपलब्ध कराई जाएगी, उस प्रावधान को निरस्त कर दिया। आइए अब हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ऊपर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। राबड़ी देवी जी का था, माननीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का था, माननीय जीतन राम मांझी जी का था, सतीश प्रसाद सिंह जी का था, और माननीय मुख्यमंत्री तो पहले ही खाली करके वो 7 सर्कुलर रोड वो चीफ सेक्रेटरी का आवास में आवंटित कर दिया गया था। आइए अब हम आपको एक्स सीएम के बंगले के चारों तरफ घूम घूम कर दिखाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि कौन से माननीय का बंगला कहां और किस पते से जाना जाता है। सतीश प्रसाद सिंह पूर्व मुख्यमंत्री बिहार पटना के आवास पर जिनका पता है वो हम आपको बताएंगे। ये है 33A हार्डिंग रोड, 33A हार्डिंग रोड का ये बंगला सतीश प्रसाद सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार रह चुके हैं। हालांकि बहुत कम दिनों के लिए सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री रहे। 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री यहाँ पूर्व उप मुख्यमंत्री की हैसियत से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यहाँ रहते हैं। और लेकिन ये बंगला अलॉट है श्रीमती राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के नाम से, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से ये बंगला अलॉट है। और बंगले का पता है 41 क्रांति मार्ग, आवास 12M स्ट्रैंड रोड, पटना। जी हाँ, ये पता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास का है। नेम प्लेट भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। चलिए अब हम आपको पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के उस सरकारी बंगले पर लिए चलते हैं जहां उन्होंने बंगले की सियासत पर कोर्ट का सम्मान किया। इसके साथ ही बिहार सरकार से एक नए बंगले की डिमांड भी रखती। देखिए, न्यायालय ने जो फैसला दिया वो फैसला शिरोधार्य है, फैसला को हम लोग मानते हैं और उस फैसला के आलोक में बिहार सरकार जिस समय आदेश देगी हम उसको मानेंगे और इस मकान को खाली करेंगे। तो हम लोग हैं, गरीब घर से आए हैं, हम लोगों को सुविधा की बहुत जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें रह रहे हैं। तो दूसरा एक सीएम होता तो शायद यहाँ नहीं रहता। पूर्व सीएम के लिए बंगला तो बहुत न्यारा था, प्यारा था, लेकिन क्या करें, कोर्ट का हथौड़ा ऐसा चला कि अब बंगला ना न्यारा रहा ना प्यारा। सुनो माननीयों, जनता के कैश में बहुत ऐश कर लिया, अब बारी है फिर जनता के पास जाने की। अगर जनता ने चुन लिया तो फिर गा सकेंगे।